सब्सक्राइब कीजिए हमारे राइडर ऑन रोड चैनल पर और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात कर रहा हूँ राइडर ऑन रोड से, और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ अपने टाटा नैनो के ऊपर, जो है इन ग्लव बॉक्स के ऊपर। आपको एक प्रॉब्लम आई होगी या किसी को आ सकती है, इन लॉक्स, ये जो लॉक है, ये जो ग्लव बॉक्स में लॉक हमको दिए है, ये लॉक धूप के वजह से, ये बहुत चीप क्वालिटी के, ये बहुत ही पतले और बहुत चीप क्वालिटी के, तो ये धूप के वजह से टूट जाते, कमज़ोर होके ऐसा क्रैक आके टूट जाते। तो ये तो मेरा नहीं टूटा है, बट ये ड्राइवर साइड का जो ग्लव बॉक्स है, यहाँ का ये टूट चुका है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसकी डंडी टूट चुकी है। तो मैंने इसको बहुत से चीज़ों से चिपकाने की कोशिश की, बट ये नहीं चिपक पाई। तो उसके लिए मुझे एक जुगाड़ करना पड़ा। जो जुगाड़ है ये, आपको ये मैग्नेट पता होगा, बहुत से ग्लास और ड्रेसिंग टेबल उसमें ये मैग्नेट यूज़ होता है। तो इस मैग्नेट को मैंने यहाँ पे फिट किया है, जो है इस तरह। उस मैग्नेट को मैंने उसके लॉक के हिसाब से कट किया है, जो लॉक ये आता है, सेम मैंने यहाँ पे इस लॉक को इस लॉक के हिसाब से बनाया है। और परफेक्टली तो ये नहीं कट सका, बट इसमें मैग्नेट है और इसमें एक लोहे की ये पट्टी है जो इस मैग्नेट को चिपकाती है। तो मैंने बहुत से ऑनलाइन ऐप्स देखे और बहुत सर्च किया गूगल पे, तो मुझे ये लॉक नहीं मिला। ये लॉक बनाया ही नहीं गया है, डायरेक्ट ये बॉक्स परचेस करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको ये ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जो मैंने ये किया है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह मैंने ये लॉक लगाया है। तो ये इस तरह ये लॉक अपना बंद हो जाता है, लॉक अनलॉक होता है। बट थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे थोड़ी गैप आ जाती है, जो आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी गैप आ जाती है। ऐसा इसमें थोड़ी कम है तो इसमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी, वो मैं थोड़ा उसको थोड़ा अंदर प्रेस करके, थोड़ा ठोक के ये अंदर चला गया तो गैप भी कवर हो जाएगी। तो ये इसी मैग्नेट के हिसाब से मैंने बनाया है। इस मैग्नेट का मैंने मेजरमेंट लिया और जो ग्राइंडर रहता है उसको हाथ से कट घिस घिस के काट के इसको मैंने ऐसा शेप बनाया है। ये वही मैग्नेट है और एक प्लेट आती है, कोई भी आप लोहे की पट्टी ले लो और उसको इस हिसाब से काट लो, ये मेजरमेंट के हिसाब से, और वो डायरेक्ट स्क्रू से आप उसको आगे फिट कर दो, ये प्रॉपरली यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये ऐसे ओपन होगा जैसे ये हमारा ग्लव बॉक्स है जो यहाँ पे टैप करके ओपन होता था। अभी ये मैनुअल हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये ना कोई ब्रेकर वगैरह और गड्ढों से नहीं ओपन होता है, जब तक अपने हाथों का प्रेशर नहीं लगेगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो अभी के लिए तो ये अच्छा जुगाड़ है, आगे जाके मुझे वो लॉक मिल जाएगा तो मैं ये फिर से लगा दूंगा, बट अभी तो नहीं मिला है ये लॉक। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको दिक्कत होगी कि इस लॉक को कैसे बनाएं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।